प्यारे बच्चों, नवजात की नशोनुमा कैसे होती है ये मालूमात हासिल करेंगे। ज़माने के साथ जिस तरह इंसान में तब्दीलियाँ होती है उसी तरह नवजात में भी होता है। बीज की उपज होते ही नया पौधा जन्म लेता है। इसके नशोनुमा के लिए इसकी जड़ ज़मीन में बढ़ना ज़रूरी है, तभी पौधे को कुवत हासिल होती है। मिट्टी से पानी और कुछ गिजाई मादे पौधे को मिलते हैं। पत्तों में गिजा तैयार होने लगती है, पौधा बढ़ने लगता है, इसमें नए नए पत्ते आते हैं, पौधे की ऊंचाई भी बढ़ने लगती है। मुनासिब नशोनुमा के बाद नबातात में फूल आने लगते हैं। फूल से फल तैयार होते हैं। इन फूलों में बीज होते हैं, इनसे इसी किस्म के और पौधे तैयार होते हैं। दरख्तों को मुसलसल धूप, हवा और पानी में रहना पड़ता है। कभी कभी इसके तने में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए दरख्त कमज़ोर हो जाते हैं। आखिर में तना टूट जाता है, दरख्त गिर जाता है और उसका खात्मा हो जाता है। सभी नबातात का खात्मा होता है, लेकिन इसकी वजूहत मुख्तलिफ होती है।